please subscribe and press the bell icon for more content. हाय एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो पर। तो दोस्तों, आज के वीडियो पर हम लोग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड का लेसन 32 पर है। अभी तक आप लोगों ने लेसन 31 तक का वीडियो नहीं देखे हो तो प्लीज़ आई बटन पर जाकर देख सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे वीडियो का प्लेलिस्ट है दोस्तों, वहाँ से आप जाकर बड़ी आसानी से देख सकते हो। तो दोस्तों, बढ़ते हैं आज के लेसन की तरफ। आज के लेसन पर हम लोग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड पर किस तरीके से कवर पेज डिजाइन क्रिएट करेंगे। तो वीडियो पर बने रहिए अंत तक। सैम्पल पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक जरूर कर लीजिए। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2019 वर्जन है। अगर आपके पास जो भी वर्जन का माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड है भी, तो आप बड़ी आसानी से यहाँ पर किसी भी तरीके का डिज़ाइन वगैरह कर सकते हो। तो सबसे पहले कवर पेज डिज़ाइन करने के लिए तो एक साइज़ क्रिएट करना पड़ेगा। साइज़ का नाम है दोस्तों A4 साइज़। सिंपली आपको यहाँ पर A4 साइज़ सेलेक्ट करना है। यदि आप यहाँ पर बुक के लिए कर रहे हो तो आप A5 भी कर सकते हो। मैं यहाँ पर मैगजीन के लिए कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पर A4 साइज़ क्रिएट कर रहा हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पर साइज़ के अंदर क्लिक करूँगा, लेआउट के अंदर क्लिक करते हुए साइज़ के अंदर क्लिक करते हुए यहाँ पर मैं A4 साइज़ सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद सिंपली आपको मार्जिन वगैरह सेट करना है तो आप यहाँ पर नैरो भी कर सकते हो। फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर मार्जिन सेट नहीं करूंगा। और यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके का पेज यहाँ पर आ चुका है। अब आपको सिंपली क्या करना है, इंसर्ट के अंदर क्लिक करते हुए यहाँ पर शेप्स के अंदर क्लिक करना है। यहाँ पर मैं डिजाइन कर रहा हूँ। शेप्स के अंदर क्लिक करने के बाद यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड ने ढेर सारे शेप्स दे चुका है दोस्तों, ऑलरेडी है। अभी तक आप लोगों ने शेप वाले वीडियो नहीं देखे तो प्लीज़ आई बटन पर जाकर देख सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी वीडियो का प्लेलिस्ट है, वहाँ से आप जाकर बड़ी आसानी से सीख सकते हो। तो यहाँ पर देखिए मैं ओवल शेप्स के अंदर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैं शिफ्ट होल्ड करते हुए कुछ इस तरीके से यहाँ पर ड्रॉ करूँगा। यहाँ पर देखिए पूरा इस तरीके से कर रहा हूँ और उसके बाद फिर से इसी शेप्स को बढ़ा कर रहा हूँ शिफ्ट होल्ड करते हुए। इस तरीके से आप बड़ी आसानी से कर लीजिए तो यहाँ पर आपको ढेर सारे डिज़ाइन वगैरह क्रिएट कर सकते हो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड पर। यहाँ पर देखिए मैंने इतना तक ये प्रोसेस कंप्लीट कर चुका हूँ। मैं सिंपली अब यहाँ पर मैं इसको सबसे पहले तो फॉर्मेट पर जाकर यहाँ पर कलर ग्रेड करूँगा दोस्तों। यहाँ पर मैं सेफ फिल कलर सिंपली इस तरीके का करूँगा यहाँ पर देखिए, और यहाँ पर मैं आउटलाइन कॉलर नो करूँगा। तो आप यहाँ पर आउटलाइन कॉलर भी रख सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर आउटलाइन 6 PT कर रहा हूँ। और आउटलाइन कॉलर आपको बढ़ाना है तो यानी कि आउटलाइन इंक्रीज करना है तो यहाँ से आप फॉर्मेट शेप्स के अंदर क्लिक कर सकते हो राइट क्लिक करते हुए। और यहाँ पर मैं इसको वेट दूंगा दोस्तों। ये सारी प्रोसेस मैंने शेप मेनू पर सब कुछ बता चुका हूँ दोस्तों। मैं यहाँ पर 10 के आसपास कर रहा हूँ दोस्तों, 10-11 के आसपास। यहाँ पर देखिए इस तरीके से बढ़कर आ चुका है। अब सिंपली आपको यहाँ पर आउटलाइन व्हाइट कलर करना है। तो यहाँ पर देखिए इतना तक ये प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अब आपको सिंपली इसी शेप्स को कंट्रोल डी करते हुए डुप्लीकेट करना है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, डुप्लीकेट करना है। डुप्लीकेट करने के बाद सिंपली आपको यहाँ पर इस शेप्स को कलर देना है, आप जो भी दे सकते हो। फिलहाल के लिए मैं ये वाला कलर दे दूंगा और यहाँ पर मैं इसको आउटलाइन नो करूँगा। आउटलाइन नो करने के बाद सिंपली इसको सेंड बैकवर्ड करना है, यानी कि पिछले वाले शेप को पीछे लाना है। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से सेंड बैकवर्ड करते हुए आप यहाँ पर जाइए और इस तरीके से इस शेप्स को थोड़ा सा नीचे की तरफ ले जाइए। आपको जितना चाहिए आप यहाँ से एडजस्ट वगैरह करते हुए इस शेप्स को मैनेज कर सकते हो दोस्तों। बड़ी आसानी से आप यहाँ पर मैनेज वगैरह कर सकते हो। मैं कुछ इस तरीके से यहाँ पर कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिए ध्यान से इतना तक ये प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अब आपको सिंपली नीचे का प्रोसेस भी कंप्लीट करना है। उसके लिए मैं यहाँ पर एक शेप्स क्रिएट करूँगा। आप यहाँ पर व्हाइट कलर पर भी काम कर सकते हो, अदरवाइज आपको यहाँ पर मेरे इंसर्ट के अंदर क्लिक करते हुए यहाँ पर एक शेप कलर यूज़ करूँगा, शेप यूज़ करूँगा और यहाँ पर कुछ इस तरीके से शेप ड्रॉ करूँगा। अदरवाइज आपको यहाँ पर ऑटोमेटिकली आप यहाँ पर एक शेप्स भी ड्रॉ कर सकते हो। उसके लिए सिंपली आपको यहाँ पर इंसर्ट के अंदर क्लिक करते हुए शेप्स के अंदर क्लिक करना है। यहाँ पर इस वाले शेप्स को क्लिक करना है, फ्री फ्रॉम शेप्स को। तो यहाँ पर मैं कुछ इस तरीके से इतना तक ये प्रोसेस कर रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पर देखिए। और यहाँ पर मैं ये वाले प्रोसेस कर रहा हूँ तो यहाँ पर इसको एंडिंग कर रहा हूँ। एंडिंग करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर शेप आउटलाइन इसको नो करना है और यहाँ पर आपको शेप एडिट शेप्स के अंदर क्लिक करते हुए एडिट पॉइंट के अंदर क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पर क्लिक करते हुए इस वाले हैंडल को थोड़ा सा ऊपर की तरफ ले आना है और इस वाले हैंडल को भी आप थोड़ा सा ऊपर की तरफ, यानी कि ओवल शेप्स पर ही बनाना है दोस्तों। इस तरीके से आप बड़ी आसानी से बना सकते हो दोस्तों, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं। इसको भी आप इस तरीके से यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हो और ये शेप्स को भी इस तरीके से आप यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हो, यानी कि ओवल शेप्स का टाइप का यहाँ पर आपको बनाना है। मैं यहाँ पर आपको बनाकर दिखा रहा हूँ दोस्तों, आप भी इसी तरीके से आप बना सकते हो, दिक्कत वाली बात नहीं है। बड़ी आसानी से आप ये प्रोसेस यूज़ करते हुए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड पर आप क्रिएट कर सकते हो। तो ध्यान से देखिए ये वाला प्रोसेस थोड़ा सा
इतना तक यहाँ पर आ चुका है, इसको थोड़ा सा एडजस्ट वगैरह करना है तो यहाँ पर मैं कर रहा हूँ। और उसके बाद इसको आप थोड़ा सा नीचे की तरफ ले आ सकते हो इस तरीके से। और ले आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर देखिए इस वाले कंप्लीट भी हो चुका है, ये भी प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अब इसको कॉलर देना है दोस्तों, आप जो भी कॉलर वगैरह आपको पसंद है आप दे सकते हो। यहाँ पर देखिए मैं रेड कॉलर यानी कि मैं डार्क रेड भी यहाँ पर कर सकता हूँ। और उसके बाद इसी शेप्स को मैं कंट्रोल डी करते हुए डुप्लीकेट करूँगा और यहाँ पर इसको सेट करूँगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए कुछ इतना तक ये कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर मैं इस तरीके से कर रहा हूँ। करने के बाद सिंपली मैं इसको कलर दूंगा व्हाइट। तो व्हाइट कलर देने के बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए कटआउट जैसा एक ऑप्शन यहाँ पर आ चुका है, इसको आप थोड़ा सा शिफ्ट होल्ड करते हुए छोटा वगैरह भी कर सकते हो। अदरवाइज आपको यहाँ पर इसी शेप्स को ऊपर की तरफ रखते हुए आपको यहाँ पर एडजस्ट वगैरह यानी कि एडिट शेप्स के अंदर क्लिक करते हुए इसको आप एडजस्ट वगैरह भी कर सकते हो। इस तरीके से मैनेज करना है दोस्तों, मैनेज करना ही आप सीख जाओगे तो बड़ी आसानी से ये सब प्रोसेस आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड के अंदर कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर इसको रख रहा हूँ, रखने के बाद इसको मैनेज कर रहा हूँ दोस्तों। यहाँ पर देखिए इसको थोड़ा सा फिर से नीचे करूँगा, थोड़ा ही करूँगा कुछ इस तरीके से। यहाँ पर देखिए टोटली ये प्रोसेस भी मैनेज हो चुका है। तो यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ पर कटआउट भी बन चुका है, यहाँ पर ये स्टाइल भी यहाँ पर बनकर तैयार हो चुका है। अब आपको सिंपली मैटर वगैरह टाइप करना है, उसके लिए तो मैं यहाँ पर सबसे पहले कंपनीज के नेम लोगो वगैरह आपको फिल करने के लिए मैं यहाँ पर शेप्स के अंदर क्लिक करते हुए यहाँ पर मैं ये वाला शेप सेलेक्ट करता हूँ दोस्तों, टॉप कॉर्नर राउंडेड शेप्स। और इसको क्लिक करते हुए इस तरीके से यहाँ पर शिफ्ट होल्ड करते हुए ड्रॉ करूँगा। ड्रॉ करने के बाद इसको मैं रोटेट करूँगा 90 डिग्री इस तरीके से शिफ्ट होल्ड करते हुए। अब मैं यहाँ पर इसको सेट करूँगा कुछ इस तरीके से। सेट करने के बाद सिंपली आपको यहाँ पर आउटलाइन कलर, नो कलर वगैरह आपको देना है तो ये वाला ही कलर मैं यहाँ पर फिल कर रहा हूँ। तो इसको सेंटर अलाइजमेंट भी कर सकते हो, फॉर्मेट के अंदर क्लिक करते हुए अलाइजमेंट सेंटर, यहाँ पर देखिए सेंटर भी हो चुका है। अब आपको सिंपली क्या करना है, कंपनीज का जो भी नेम है आप यहाँ पर टाइप कर सकते हो, कंपनीज का टैगलाइन स्लोगन जो भी है आप यहाँ पर टाइप कर सकते हो। उसके लिए सिंपली आपको इंसर्ट के अंदर क्लिक करते हुए यहाँ पर वर्ड आर्ट के अंदर क्लिक करना है, आपको यहाँ पर वर्ड आर्ट स्टाइल 1 सेलेक्ट करना है। ये सब भी मैं यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लेसन पर सब कुछ बता चुका हूँ दोस्तों। ये टेक्स्ट का भी मैं सिंपली यहाँ पर होम के अंदर क्लिक करते इसको क्लियर ऑल कर लेता हूँ और यहाँ पर नो स्पेसिंग कर लेता हूँ। नो स्पेसिंग करने के बाद आपको जो भी कंपनीज का नेम है आप यहाँ पर टाइप कर सकते हो। फिलहाल के लिए इस तरीके से कंपनी नेम टाइप कर रहा हूँ, आपको जो भी फॉन्ट वगैरह पसंद है आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। मैं कुछ इस तरीके से कंपनी नेम का फॉन्ट सेलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं कलर दूंगा व्हाइट। तो यहाँ पर देखिए कुछ इतना तक ये प्रोसेस मैंने यहाँ पर कंप्लीट कर चुका हूँ। अब आपको जो भी टैग लाइन वगैरह कंपनीज का टैग लाइन वगैरह है तो आपको यहाँ पर टाइप कर सकते हो। मैं इसको फॉन्ट सेलेक्ट करूंगा दोस्तों, कुछ पतला सा फॉन्ट यानी कि यूनिक सा फॉन्ट, कैलिब्री लाइट वगैरह आपको पसंद है, आपको पतला वाला फॉन्ट वगैरह पसंद है तो ये वाला फॉन्ट वगैरह आपको सेलेक्ट कर सकते हो। मैं टैग लाइन को यहाँ पर सेट कर रहा हूँ, तो यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से छोटा करते हुए यहाँ पर मैं इसको सेट कर रहा हूँ। आपको जितना टैग लाइन है आप यहाँ पर टाइप कर सकते हो, फिलहाल के लिए मैं इतना ही कर रहा हूँ। और उसके बाद आपको जो भी कंपनी इसका लोगो वगैरह है तो यहाँ पर आप सेट कर सकते हो। उसके लिए मैं यहाँ पर एक ओवल शेप्स ड्रॉ कर रहा हूँ दोस्तों कुछ इस तरीके से, और यहाँ पर इसको सेट करते हुए यहाँ पर इसको व्हाइट कलर दूंगा और आउटलाइन नो कलर करूंगा। तो यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से डिजाइन वगैरह यहाँ पर क्रिएट हो रहा है। अब मैं यहाँ पर पिक्चर्स इंसर्ट करूंगा यानी कि लोगो, मेरे पास एक लोगो है दोस्तों, ये वाले लोगो यहाँ पर सेलेक्ट करते हुए यूज करूंगा। रैप टेक्स्ट इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, इसको छोटा करूंगा। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से यहाँ पर मैं इसको फिल कर रहा हूँ। तो आप भी इस तरीके से बड़ी आसानी से आपको जो भी लोगो वगैरह है तो आप यहाँ पर फिल कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इतना तक ये प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। आपको जो भी प्रोजेक्ट नेम है, प्रपोजल है, आप यहाँ पर टाइप कर सकते हो। उसके लिए मैं इसी वाले टेक्स्ट को यहाँ पर, ये टेक्स्ट मुझे बहुत अच्छा लग रहा है दोस्तों, ये वाले टेक्स्ट यहाँ पर मैं सेलेक्ट करते हैं। आपको यहाँ पर कलर वगैरह फिल करना है, मैं ये वाला ही कलर फिल करूँगा, प्रोजेक्ट नेम हियर। इस तरीके से आप काम कर सकते हो। इसको राइट क्लिक करते हुए आपको यहाँ पर इस वाले ऑप्शन के अंदर क्लिक करते हुए आपको यहाँ पर एडवांस के अंदर क्लिक करते हुए आपको स्पेसिंग वगैरह, टेक्स्ट का स्पेसिंग वगैरह चूज करना है तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर सकते हो। सबसे पहले इसको सेलेक्ट ऑल करना है, यहाँ पर आपको इस वाले डॉट के अंदर क्लिक करना है। अब यहाँ पर एडवांस पर जाना है, अब आपको यहाँ पर स्पेसिंग के अंदर क्लिक करना है और यहाँ पर बाई वाले ऑप्शन पर यहाँ पर आपको इंक्रीज करना है। आपको जितना इंक्रीज करना है आप यहाँ पर इंक्रीज कर सकते हो। मैं फिलहाल के लिए 150 पर कर रहा हूँ और उसके बाद ओके। यहाँ पर देखिए इस तरीके से स्पेसिंग भी यहाँ पर आ चुका है। मैं यहाँ पर इसको सेट कर रहा हूँ। सेट करने के बाद इसी टेक्स्ट को कंट्रोल डी करते हुए यहाँ पर मैं प्रपोजल टाइप कर लेता हूँ।
इस तरीके से, और उसके बाद इसी टेक्स्ट को मैं बड़ा करता हूँ दोस्तों। आप जितना बड़ा करना सकते हो तो आप बड़ा कर सकते हो, दिक्कत वाली बात नहीं। मैं यहाँ पर कुछ इतना तक यहाँ पर इसको सेट कर रहा हूँ ताकि दिखने में काफ़ी अच्छा लगाने के लिए दोस्तों बड़ा कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं इसको सेट कर रहा हूँ। सेट करने के बाद आपको यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा डिजाइन करने के लिए आप यहाँ पर बॉक्स वगैरह यानी कि रेक्टेंगल वगैरह भी यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हो कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर देखिए मैं इतना तक ये कर रहा हूँ और इसको कलर दूंगा दोस्तों रेड कलर, डार्क रेड, आउटलाइन नो करूँगा। तो यहाँ पर दिखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसको मैं इस तरीके से बड़ा करते हुए यहाँ पर इसको सेट करूँगा। सेट करने के बाद सिंपली इसी शेप्स को मैं कंट्रोल डी करते हुए, आपको यहाँ पर कंट्रोल डी करने की ज़रूरत भी नहीं है दोस्तों, कंट्रोल होल्ड करते हुए इस तरीके से शिफ्ट होल्ड करते हुए इसको कॉपी कर सकते हो दोस्तों। यहाँ पर देखिए कंट्रोल और शिफ्ट होल्ड करते हुए, शिफ्ट से आपको लाइन बराबर हो जाता है दोस्तों, इक्वल हो जाता है। और इसको मैं इस तरीके से यहाँ पर सेट कर रहा हूँ। सेट करने के बाद दोस्तों देखिए इतना तक ये प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अब आपको जो भी डेट वगैरह आपको यहाँ पर टाइप करना है तो यहाँ पर आपको इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हुए कंट्रोल डी करते हुए यहाँ पर मैं टाइप कर रहा हूँ। आपको जो भी टेक्स्ट वगैरह है तो यहाँ पर ऐड कर सकते हो, डेट है तो। मैं यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ मार्च 20, 2021, यानी कि 22 टाइप कर लेता हूँ यहाँ पर देखिए इस तरीके से। और इसको मैं यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ताकि दिखने में, छोटा भी कर सकते हो दिक्कत वाली बात नहीं है। आप इस तरीके से यहाँ पर इसका सेट कर सकते हो। मैं इसको कॉलर दूंगा ब्लैक, यानी कि दिखने में अच्छा लगे। यहाँ पर देखिए इतना तक ये प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अब आपको जो भी प्रोजेक्ट का प्रीपेयर्ड बाई है तो यहाँ पर आपको टाइप कर सकते हो इसी टेक्स्ट को कंट्रोल डी करते हुए। यहाँ पर देखिए मैं इसको यहाँ पर सेट कर रहा हूँ और इसको मैं टाइप कर रहा हूँ इस तरीके से। और उसके बाद यहाँ पर मैं इसको कंट्रोल डी करते हुए आपको जो भी नेम है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, आप यहाँ पर टाइप कर सकते हो फर्स्ट लास्ट नेम कुछ इस तरीके से मैंने टाइप कर रहा हूँ दोस्तों यहाँ पर देखिए। और इसको फॉन्ट वगैरह आपको चेंज करना है तो दिक्कत वाली बात नहीं, ढेर सारे फॉन्ट अवेलेबल है दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड पर। आप जो भी फॉन्ट वगैरह यहाँ पर सेलेक्ट करते हुए काम कर सकते हो, ढेर सारे फॉन्ट है यहाँ पर देखिए इस तरीके से। आपको जो भी फॉन्ट वगैरह पसंद है तो यहाँ पर आपको यूज करते हुए काम कर सकते हो। मैं यहाँ पर एक थोड़ा सा बोल्ड वाले फॉन्ट सेलेक्ट कर रहा हूँ ताकि दिखाने में अच्छा लगे। कुछ इस तरीके का ही यहाँ पर फॉन्ट सेलेक्ट कर रहा हूँ, यानी कि मैं इसको 18 के आसपास कर रहा हूँ और यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ दोस्तों। यहाँ पर देखिए प्रोजेक्ट प्रिपेयर्ड बाय भी यहाँ पर टाइप हो चुका है। इसको मैं फॉन्ट दूंगा कैलिब्री लाइट, यानी कि कैलिब्री भी आप कर सकते हो तो यहाँ पर दिखने में अच्छा लग रहा है। और उसके बाद आपको टैग लाइन जो भी है आप यहाँ पर टाइप कर सकते हो कंट्रोल डी करते हुए। यहाँ पर मैं इसको टैग लाइन इस तरीके से, और इसको फॉन्ट में छोटा कर रहा हूँ इतना तक यहाँ पर ये रख रहा हूँ। और इसको प्रिपेयर्ड बाय को आप यहाँ पर अंडरलाइन वगैरह भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हो कुछ इस तरीके से दिखाने के लिए, जस्ट आपको यहाँ पर यूज करने के लिए। यहाँ पर देखिए इतना तक ये प्रोसेस कंप्लीट हो रहा है दोस्तों। इसको मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर रहा हूँ। अब उसके बाद आपको यहाँ पर जो भी आपको टेक्स्ट वगैरह है, यानी कि आपको डिटेल्स वगैरह है, टैगलाइन, ग्रोथ, कंपनी नेम, आपको एड्रेस वगैरह, जो भी फ़ोन नंबर कंपनी जो आपको यहाँ पर है आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर प्रेजेंटेड फॉर भी आप यहाँ पर टाइप कर सकते हो। इसी टेक्स्ट को मैं कंट्रोल डी करते हुए डुप्लीकेट करता हूँ और इसको मैं यहाँ पर इसको सेट कर रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ध्यान से, और उसके बाद यहाँ पर मैं टाइप कर रहा हूँ प्रेजेंटेड और यहाँ पर मैं इसको अनबोल्ड कर रहा हूँ, यानी कि बोल्ड कर रहा हूँ थोड़ा सा, और इसको इंक्रीज कर रहा हूँ तो यहाँ पर दिखने में अच्छा लगे। यहाँ पर देखिए कुछ इतना तक ये प्रोसेस कंप्लीट हो रहा है। अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा लाइन वगैरह ऐड करना है तो यहाँ पर आप ऐड कर सकते हो। यहाँ पर मैं कुछ इस तरीके से यूज़ कर रहा हूँ दिखाने के लिए, जस्ट यहाँ पर आपको अप्लाई करने के लिए है दोस्तों ये। और यहाँ पर मैं टाइप कर रहा हूँ, इसको मैं थोड़ा सा वेट दूंगा दोस्तों, थोड़ा सा बड़ा करूँगा और ये वाला ही कॉलर दूंगा बिल्कुल ये वाला ताकि दिखने में अच्छा लगे। तो यहाँ पर देखिए कुछ इतना तक ये प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अब आपको जो भी टेक्स्ट वगैरह है आपको यहाँ पर टाइप कर सकते हो। मैं फिलहाल के लिए यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स ले रहा हूँ और यहाँ पर मैं इस तरीके से सेलेक्ट करते हुए इसको यूज करने जा रहा हूँ दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए मैं इसको तो सबसे पहले नो स्पेसिंग कर लेता हूँ। आपको जो भी फर्स्ट नेम लास्ट नेम है तो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो।
और यहाँ पर आपको जो भी है आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। मैं इसको यहाँ पर एडजस्ट करना जा रहा हूँ दोस्तों, इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ फॉन्ट, और यहाँ पर बोल्ड करता हूँ, और इसको कंपनी नेम हियर थोड़ा सा यहाँ पर बड़ा कर रहा हूँ। कंपनी एड्रेस, आपको वेबसाइट वगैरह, जॉब टाइटल, आपको जो भी यहाँ पर है आप यहाँ से इंक्रीज वगैरह कर सकते हो, 20 के आसपास, 18 के आसपास कर सकते हो, दिक्कत वाले कोई भी बात नहीं। इसको सबसे पहले फॉर्मेट पर जाकर आउटलाइन नो करना है और यहाँ पर इसको ऐड कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इतना तक ये प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। आपको जो भी है यहाँ पर ऐड कर सकते हो, कंपनी नेम थोड़ा सा बोल्ड करना है तो ऐड कर सकते हो, थोड़ा सा फॉन्ट वगैरह ये सब को भी बड़ा करना है तो इस तरीके से आप यहाँ से आप बड़ा कर सकते हो 12 के आसपास। तो इस वाले लाइन को भी मैं यहाँ से थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ और इसको कॉलर दूंगा दोस्तों यहाँ से रेड कॉलर। और उसके बाद आपको यहाँ पर जो भी नोट्स वगैरह है, थोड़ा सा आपको कोई टेक्स्ट वगैरह टाइप करना है, यहाँ से आपको थोड़ा सा टेक्स्ट वगैरह टाइप करना है तो यहाँ पर इंसर्ट के अंदर क्लिक करते हुए, यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स के अंदर क्लिक करते हुए यहाँ पर आपको इस तरीके से ड्रॉ करना है। और यहाँ पर आपको जो भी टेक्स्ट है, तो यहाँ पर फिलहाल के लिए मेरे पास कुछ टेक्स्ट है दोस्तों, ये वाला टेक्स्ट मैं यहाँ पर इसको यूज करने जा रहा हूँ कुछ इतना तक। इसको कंट्रोल सी कर रहा हूँ कॉपी, और यहाँ पर कंट्रोल वी पेस्ट कर रहा हूँ, थोड़ा सा और लूंगा दोस्तों कुछ इतना तक, कंट्रोल सी, ये एक्चुअली टेक्स्ट है दोस्तों। और इसको थोड़ा सा आप एडजस्ट वगैरह करना चाहते हो तो भी यहाँ से कर सकते हो। और उसके बाद इसको आउटलाइन नो करना है, मैं आउटलाइन नो कर रहा हूँ, से फिल कॉलर भी नो फिल कर रहा हूँ ताकि सब कुछ नज़र में आए। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इस तरीके से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड पर बड़ी आसानी से कवर पेज डिज़ाइन क्रिएट हो चुका है। आप भी इसी तरीके से कवर पेज डिज़ाइन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड पर क्रिएट कर सकते हो। तो दोस्तों आप लोगों का आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो पर किसी नए टॉपिक के ऊपर, तब तक के लिए नमस्कार।